नमस्कार। आज पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना वायरस जो है अपने पांव पसार रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी ये जो वायरस है ये फैला है और कुछ लोग जो हैं पॉजिटिव आइडेंटिफाई हुए, उसके लिए कोविड 19 रिलीफ फंड जो है उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना योगदान दे रहे हैं। तकरीबन सभी विधायकों ने इस बात की घोषणा की है कि एक महीने की सैलरी जो है वो कोविड 19 में लोगों की मदद के लिए देंगे, और अब जो है केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार ने भी एक साल का 30% वेतन जो है वो विधायकों का कोविड 19 रिलीफ में देने का फैसला किया है, काटने का फैसला किया है। हम इसका स्वागत करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप 30 की बजाय आप 50% काटें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर ये पैसा गरीब लोगों की बेसहारों की मदद में लगता है और जो लोग प्रभावित हैं उसमें ये पैसा खर्च किया जाता है, तो सेवा में पैसा लगता है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु दूसरा फैसला जो प्रदेश सरकार में जयराम सरकार ने किया है, कैबिनेट में फैसला लिया है कि 2 साल आने वाले जो है उसमें जो है वो विधायक विकास निधि जो है उसको 2 साल के लिए फ्रीज किया जाता है और वो पैसा जो है वो सरकार जो है कोविड 19 में खर्चेगी। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि विधायक निधि जो है 1,75,00,000 रुपए जो 68 विधायकों की लगभग 100 करोड़ रुपए बनती है जो कि साल में खर्ची जाएगी, विधायक निधि जो है वो किसी विधायक के घर नहीं जाती है, वो पैसा जो है लोगों के छोटे छोटे कामों के लिए उस क्षेत्र में खर्चे जाते हैं। किसी का ढंगे का काम है, किसी रास्ते का काम है, किसी सड़क का काम है, ऐसे अनेकों छोटे छोटे विकास के काम लोग वहां विधायक से मिलते हैं क्योंकि चुने हुए विधायक के पास ही लोग जाते हैं। और ये छोटे छोटे काम भी आप रोक देंगे तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छे संकेत नहीं है। और दूसरी बात, अगर विधायक विकास निधि जो है उसको कहीं इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाना पड़ता है, अगर हिमाचल प्रदेश पे कोई आपदा आती है, कोई पैसा और कोई नहीं है खर्चने के लिए, तो विधायक निधि भी आप खर्चिए, कौन विधायक मना करेगा। सबसे पहले जो है हिमाचल प्रदेश देवी भूमि को बचाना है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को बचाना है, उसमें कोई मना नहीं करेगा। परंतु अभी तक तो सरकार ने, आपकी सरकार ने 15 करोड़ रुपया जारी किया, आपके पास 250 करोड़ रुपया जो है वो आपदा में आया हुआ है, 950 करोड़ रुपया टोटल आना है। आपने अभी अभी जो है 50,000 करोड़ रुपये का जो है आपने सालाना बजट पेश किया, उसमें अभी कुछ खर्चा नहीं। आपने 1,000+ करोड़ रुपया जो है वो मंडी एयरपोर्ट के लिए एलोकेट किया है, उसको आप 900 करोड़ रुपया कर दो, उसको कम कर दो। एयरपोर्ट जो है वो 1 साल नहीं बनेगा या 1.5 साल नहीं बनेगा तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। परंतु एक विधायक अपने क्षेत्र में छोटे छोटे काम लोगों के होते हैं, उनको भी आप रोक लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार क्या फैसला कर रही है, केंद्र सरकार का बड़ा दायरा है, उसने पूरे देश को देखना है, परंतु राज्य सरकारें जो हैं उनका अलग से काम होता है। विधायक जो है वो डायरेक्ट लोगों से जुड़ा होता है, मेंबर पार्लियामेंट जो है वो डायरेक्ट पब्लिक से कम जुड़ा होता है। अब ऐसे ऐसे फैसला केंद्र सरकार को देखकर प्रदेश के मुख्यमंत्री करने लग पड़ेंगे तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। और दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री जी ने एनुअल फंक्शन में टेंडा मेडिकल कॉलेज में ये घोषणा की कि 15 जो है वेंटिलेटर्स दिए जाएंगे इसको अपने टेंडा मेडिकल कॉलेज को। अब 1.5 साल हो गया आप वो नहीं पहुंचे, आप साल हो गया आपके पास जो है फूड एंड सप्लाई का मिनिस्टर नहीं है। आज पूरे प्रदेश में सबसे 2 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट जो उनके, आपके पास मिनिस्टर नहीं है, आपके पास हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि जो फैसले आपको लेना चाहिए, हर काम आपको केंद्र सरकार या केंद्र वालों को, आपके दिल्ली वाले दरबार को पूछकर ही करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है ऐसे प्रदेश नहीं चलेगा। आज हिमाचल प्रदेश का एक एक आदमी कोविड 19 रिलीफ में पैसा देने के लिए तैयार है। अगर कोई आफत आती है, कोई आपदा आती है, कोई और बड़ी आपदा आती है, तो प्रदेश के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहता हूं, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर फैसला जो है केंद्र सरकार को देकर और प्रदेश के कुछ अफसरशाही को जो है उनके कहने से करेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं होगा, आने वाले समय में लोग आपको पूछेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी फैसला लेने से पहले उसको डिटेल में जाएं, उसकी गंभीरता को समझें, और विधायक निधि जो है इसको रोककर आप क्या अफसरशाही को जो है वो पावर देना चाहते हैं, ताकत देना चाहते हैं, क्या आप ये संदेश दे रहे हैं कि आप जो हैं अब 2 साल जो है कोरोना वायरस ही हिमाचल प्रदेश में रहेगा, ऐसा पैनिक जो है वो लोगों में जो फैल रहा है उसको आप रोकें। और मैं बार बार आपसे निवेदन, प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुका हूं
कि आज हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर जो बेटियां बाहर जो पीजी में हैं या बाहर जो रुक गई बाहर फंसी हुई हैं, बाहर से निकल नहीं पा रही हैं, आज उनको खाने की समस्या है, आज उनको रहने की समस्या है, उसके लिए कोई ना कोई वे आउट निकालें ताकि वो पेरेंट्स के पास पहुंचे। आज पेरेंट्स चिंतित हैं, आज आज बहुत सारे लोग जो हैं वो नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो उन चीज़ों को गंभीरता लें, गंभीरता से देखें। और कोविड 19 में अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, हम 50% सैलरी, क्या हमारे पास सेविंग अकाउंट में भी पैसा होगा तो हम उसको भी दान करने के लिए तैयार हैं, परंतु ऐसे पैनिक जो है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। और अभी तक जो है, अभी कोई ऐसे हालात नहीं हुए कि इमीडिएट जो सरकार को जो फैसला करना पड़े कि विधायकों के जो विकास निधि है, जो लोगों के विकास के काम पर खर्च होते हैं, उसको भी आप रोक लगा दें, इतना करने की प्रदेश सरकार को जरूरत नहीं थी। इससे और ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा। प्रदेश सरकार हर काम जो है केंद्र के इशारे पे करे, केंद्र जो कहे वही करना है, और केंद्र अपने हिसाब से फैसला लेता है, प्रदेश सरकार अपने हिसाब से लेती है। इसलिए मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रदेश में जो गंभीर समस्याएं हैं उनको आप समझें, और जो भी फैसला लेना है वो प्रदेश हित में लें। धन्यवाद।